उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में मस्जिद को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई, जिससे पूरी तरह से माहौल बिगड़ गया। इसी बीच अचानक कहीं से पत्थर फेंके गए, जिससे पुलिस बैरिकेडिंग छोड़ वहां से भाग गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का गोला भी छोड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए। लाठीचार्ज में फिलहाल 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। इस घटनाक्रम पर डीएम और एसपी ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। आपको बता दें कि पुलिस ने हिंदू संगठनों की रैली के लिए निश्चित स्थानों की अनुमति दी थी। प्रदर्शनकारी हनुमान चौक से काली कमली बस स्टैंड वाया गंडार देवता मंदिर होते हुए जाना चाह रहे थे। पुलिस ने भटवाड़ी रोड पर विश्वनाथ मंदिर वाले चौक पर बैरिकेडिंग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने 1 बजे से लगभग 4:30 बजे तक भटवाड़ी रोड पर बैरिकेडिंग के पास धरना दिया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। इस बीच पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे कुछ महिलाओं और अन्य प्रदर्शनकारी घायल हो गए। शांतिपूर्वक से अपना धरना रैली कर रहे थे। वहाँ पे जो है बड़े दुख की बात है कि हमारे प्रशासन ने जो है हमारा राजमार्ग बंद किया, और इसका हमको बड़ा खेद है कि जो है हमारी बात रखने का उन्होंने हमको मौका नहीं दिया। हमको जो है कलेक्ट्रेट जाना था राष्ट्रीय राजमार्ग से, उनको जो है मस्जिद के लिए सुरक्षा करनी थी, तो वहीं पर वो आगे करते राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे लिए छोड़ देते। तो ये हमारे लिए जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमको अपने स्वाभिमान का रक्षा करनी है, स्वाभिमान का हक चाहिए हमको। जो हमारा ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये गौहत्य जिहाद, तो इसके लिए हम आए थे अपने ये नशा जिहाद, ये फोन जिहाद, तो कई प्रकार का जो ये है हमारे साथ हो रहा, तो हम इसके लिए हम अपने रैली में आए थे। मेरे पास जो है 24 घायल लोग आए हैं, जिसका हमने इमरजेंसी में हमारी टीम ने सर्जन ने ऑर्थोपेडिक सर्जन ने इसको देख के सबका हमने इन्वेस्टिगेशन प्राथमिक उपचार एक्सरे वगैरह सब करवा दिया है, और सारे पेशेंट फिलहाल स्टेबल है। सर कितने सर इंजर कितने हुए सर? 24 लोग इंजर, 24 लोग पुलिस या आम आदमी, ये मिक्स थे सारे 24 लोग थे। सर गंभीर स्थिति कुछ पुलिस वाले बता रहे, 5-6 पुलिस वाले हैं, बाकी और कुछ सर उसमें कोई रेफर तो नहीं है सर? स्टेबल सर। एक पेशेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शशांक रमोला ने बताया सर, हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ उसका, और बाकी डॉक्टर साहब मैनेज करने के बाद उसको देखेंगे। जितने भी सर पैसेंट जो इंजर्ड हुए सर स्टेबल? सब स्टेबल है। जिले में एग्जाम भी चल रहा था और चार धाम हमारी चली रही, तो थोड़ा ये लोग इनका विलम्ब हुआ, कोई बात नहीं विलम्ब होते रहता था। फिर ये लोग अपने रूट में आए और सिंगल चौक के पास हम लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, क्योंकि उस रूट से आगे इनको अनुमति नहीं थी, इनका रूट अलग था। तो बैरिकेडिंग में इन लोगों ने काफ़ी देर तक वहाँ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर ये स्थिति है कि इनके बीच में कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी, फिर पत्थर भी उसमें पड़े और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, और इसी बीच फिर जब बैरिकेड तोड़ दिया गया तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया। रैली थी, इनको एक रूट दिया गया था प्रशासन की तरफ से और एक समय दिया गया था, उस समय पर इनको चलना था, तो इन्होंने वो रूट छोड़ करके ये कोशिश की कि दूसरे रूट से जाएँ, तो वहाँ पर रोकने की कोशिश में थोड़ी धक्का मुक्की हुई। उसके बाद फिर उन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थर जाबाजी में कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है। फिर हम लोगों ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनको दूसरे रास्ते से डाइवर्ट कर दिया। सर पता चल पाया है कौन कौन वो लोग थे पत्थरबाजी करने वाले, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? नहीं, अभी जाँच चल रही है, जाँच कर दी है, देख रहे हैं, फिर वीडियोज देखे जा रहे हैं कौन कौन लोग थे, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई। सर पूरे बाजार में किस तरह का माहौल है इस समय? अब तो सब शांत है, सभी लोग अपने अपने घर पहुँचे। अधिक अपडेट्स के लिए इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी महावीर राणा हमारे साथ इस वक्त उत्तरकाशी से जुड़ रहे हैं। महावीर, आखिर स्थिति इस तरीके से कैसे हो गई कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, और इस वक्त क्या स्थिति है? आज धारा 163 लागू किया गया है, तो वहीं व्यापारी संगठनों की तरफ से, हिंदूवादी संगठनों की तरफ से जो मुझे जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक बंद का भी कॉल जो है वो किया गया है।
जी बिल्कुल निश्चित तौर पे, जब तक मैं बात करूंगी कल की, तो कल हिंदू महासभा की तरफ से एक मीटिंग का आह्वान किया गया था, एक रैली का जो है पूरी तैयारी की गई थी, जिसमें कि अपने जो है हिंदू महासंघ के स्वामी दर्शानंद जी महाराज के मुखिया थे और इसके अगुवाई कर रहे थे। तो इन लोगों ने कल विश्वनाथ नगरी में आके जो है यहाँ पे जो एक रैली का प्रदर्शन किया और उसके बाद इन्होंने जो है कलेक्ट्रेट जाना था जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए, मगर पुलिस द्वारा पहले गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। उसके बाद 2 घंटे का समय था, जिसका कहना है कि हमने 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय दिया था कि आप लोग अपना जो धरना प्रदर्शन या रैली करना चाहते शांतिपूर्वक करिए, मगर जब समय ज्यादा हो गया था तो उसके बाद कुछ उद्यमियों द्वारा जो है वहां पे जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और धक्का मुक्की के कारण जो है पुलिस को जो है लाठी चार्ज करना पड़ा और कहीं जो आंदोलनकारी थे जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनके ऊपर भी चोटें आई। उसके बाद जो है वहां पे कुछ लोगों ने जो है पथराव शुरू कर दिया, पुलिस के ऊपर पथराव शुरू करा, उसी में कई लोग ऐसे थे जो छतों में थे और छतों के बाद उन्होंने पब्लिक पे पत्थर शुरू कर दिया, उसमें कम से कम 23 लोग जो है 23 लोगों को चोट आई थी, उसमें से 8 पुलिसकर्मी है और बाकी जो है जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनमें से 2 पुलिस वाले जिनकी ज्यादा ही चोट लगी है उनको कल ही रात को जो है रेफर किया गया। उसी स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने जो है पूरे उत्तरकाशी में 163 जो है धारा चालू की गई। उस समय जो बता दूं उत्तरकाशी का माहौल थोड़ा गर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरी मार्केट पूरी तरह से बंद है, चाहे वो यमुना वैली हो, यमुना वैली में पुरोला या बड़कोट वाले क्षेत्र को पूरी तरह से जो है इस समय जो है दुकानों को बंद किया गया है। उत्तरकाशी की लगभग जुशाड़ उत्तरकाशी की दुकानों को बंद किया गया है, भले ही जो धारा लगी उसके तहत ये बताया जा रहा है कि 5 से ज्यादा लोगों को भी बिल्कुल अगवाई नहीं, लाठी डंडा भाला किसी तरह के नुकीले हथियार या ज्वलनशील पदार्थ किसी को भी अलाउड नहीं, पूरे जिले के अंदर प्रवेश करना वर्जित हो रखा है। पूरी उत्तरकाशी जिला इस समय जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो रखा है और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का साफ कहना है कि अगर कोई भी उद्यमी किसी तरह के जो नुकसान करता है या अपने सामाजिक जो सद्भावना को जो हमारा उत्तरकाशी जो क्षेत्र है देवभूमि है इस तरह के अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक और अहम सवाल महावीर ये भी है, जिस तरीके से हमने देखा कि संजौली से ये विवाद जो है वो शुरू होता है जहां अवैध मस्जिदों को लेकर पूरा मामला गरमाता है और उसके बाद धीरे धीरे ये उत्तराखंड के तमाम जिलों में फैलता हुआ नजर आता है, क्या इससे पहले ये मस्जिद अवैध हैं ये यहां पर नहीं पता थे लोगों को? और जिस तरीके से बीते हम 1.5 महीने में लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में प्रदर्शनों को देख रहे हैं अवैध मस्जिदों को लेकर, ऐसे में जब इन अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा था उस वक्त प्रशासन क्या आंख मूंदे हुए था, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं बता दूं, जब तक उत्तरकाशी की मस्जिद जो ये मामला उठा था हिमाचल से शुरू हुआ था, इसकी आग वहां से शुरू लगी थी, मगर अब उत्तरकाशी जो देवभूमि यहां तक पहुंच चुके, यहां पे जो मस्जिद है उसमें अभी 10-15 दिन पहले जो है हिंदू संगठनों ने जो है जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया था कि ये अवैध मस्जिद है, यहां पे जो बनाए गए अवैध मस्जिद, मगर उसके बाद जो अवैध जो मस्जिद के लोग हैं उन्होंने 1985 के थ्रू जो है जब ये यूपी सरकार में जब मस्जिद को जो है इन लोगों को दी गई थी तो उन्होंने अपने जो खतौनी जिलाधिकारी को दिया और जो पट्टे जो जमीन जो नाम पे हो रखी है 2 नाली 8 मुट्ठी के आसपास ये जमीन जो है जो इन लोगों को दी गई थी, तो उन्होंने साफ जिलाधिकारी को दिखाया है कि ये हमारी अवैध नहीं है, ये हमारे नाम पे है और उसकी तरह हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। मगर जब तक उत्तरकाशी की बात करूंगा, उत्तरकाशी वरणों में जो है बम्फर जोन में आता है जो क्षेत्र जहाँ पे मस्जिद बनी है, उस क्षेत्र का जो एरिया है उसमें कम से कम 80 घर ऐसे हैं जो अवैध बने हुए हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बाह्य लोग हैं बाहर से आके जो है उस जंगल को काट के बसे हुए हैं। मगर जब पिछली बार यहाँ पे बरौनावत धसाव आया था उसके बाद जो है उन लोगों को जो है जब जांच की गई थी तो बताया गया था 80 लोग इसमें जो है अवैध थे, 80 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया था कि आप इसको खाली करें, मगर वो खाली नहीं हो पाया। उसमें जो हिंदू संगठन का साफ कहना है कि हमारी काशी विश्वनाथ नगरी है, यहाँ पे विश्वनाथ का मंदिर नीचे है और ऊपर जो है यहाँ पे जो है मस्जिद बना हुआ है, तो उन लोगों का साफ कहना है कि इसे अनंतर के दूसरी जगह बनाया जाए, यहाँ पे न रखा जाए। लगातार मैं बता दूं 1985 यह जमीन उनके नाम पे, उसके बाद न शासन प्रशासन ने कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं, जबकि जिलाधिकारी का साफ कहना है कि मस्जिद अवैध नहीं है, जिलाधिकारी का यह कहना है क्योंकि उनको जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए उसकी तरह ये मस्जिद जो है वैध है। मगर जो यहाँ के हिंदू संगठन है उनका साफ कहना है कि जो उत्तरकाशी देवनगरी जो इसे माना जाता है गंगोत्री का पहला पड़ाव यहाँ से पड़ता है, तो यहाँ पे जिस तरह जो बाह्य लोग आ रहे हैं, बाह्य लोग कुछ लोग जो हिंदू और मुस्लिम संगठन करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन लोगों को देखते हैं उनका साफ कहना है कि इन लोगों को जो अनित्र किया जाए, हमारी जो देवभूमि है हमको स्वच्छ रहने दिया जाए। इससे लेकर उन्होंने पहले भी ये दिया था, अब जो उसके बाद उन्होंने फिर ये धरना प्रदर्शन शुरू किया। आज भी मैं बता दूं उत्तरकाशी का जिला
जो मुख्यालय है उसका माहौल गर्म है, जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं, उनका साफ कहना है कि ये सर्वप्रथम ये बताया कि हम पे लाठीचार्ज क्यों गई, क्यों की गई और ये पथराव किसने किया। कुछ लोगों का कहना है कि किसी द्वारा किया गया, मगर इस बात की हम पुष्टि नहीं करते कि पत्थर किसने फेंके थे, क्योंकि जब संघर्ष होता है कहीं पे आंदोलन होता है तो उसके बीच में कई असामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। तो कल का जो माहौल इसी तरह से देखने को मिला है कि असामाजिक तत्वों ने जो वहाँ पे पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी करने को पुलिस को डंडी लाठी भाजनी पड़ी ताकि जो भीड़ है उसको अनियंत्रित किया जाए, मगर उसके बाद इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था कैसी है उत्तरकाशी में? और कल जिस तरीके की घटना हुई, आज जब बंद का कॉल व्यापारी संगठनों और हिंदू संगठनों की तरफ से लिया गया है, तो बंद शांतिपूर्ण रहे ये कैसे पुलिस प्रशासन सुनिश्चित कर रही है महावीर? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ने कल रात को ही जब धारा 166 लागू की थी तो उसके बाद सुबह भी पुलिस एसपी द्वारा बताया गया है कि यहाँ उत्तरकाशी जिले में अगर कोई भी 5 से ज्यादा लोग अगर दिखते हैं तो निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई की जाएगी। मगर मैं बता दूं जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो लोग जो है यहाँ विश्वनाथ चौक के पास रुके हुए हैं और उसके बाद हनुमान चौक में कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लोगों का साफ कहना है कि इन पे कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने जो है इस तरह की ये किया। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस समय, मैं बता दूं उत्तरकाशी का जो माहौल है काफी गर्म है और अभी जो है भले ही जो मार्केट है पूरी तरह से बंद है, जो यातायात चालू है बिल्कुल, और इसीलिए जिला प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहा है।